अच्छा, प्याज, हरी मिर्च और सिरका, ये तो दोपहर के खाने में आपके दस्तरखान का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। सो, नहीं, बट जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिस तरह मुझे अल्सर्स हैं, मैं क्या करूँ? आप उसमें से प्याज निकाल के खा लीजिए। यानी कि हरी मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और सिरका। सिरका जो उनसे सिंथेटिक वाला नहीं, जो प्योर फ्रूट विनेगर होता है, जैसे एप्पल का हो गया, ग्रेप्स का हो गया, जो भी आपके पास खालिस सिरका है, वो अगर आप बरसात के मौसम में खाते रहते हैं प्याज के और हरी मिर्च के साथ, तो आपको बहुत से मसले नहीं होते। और ये क्या है, एक उसमें डाल के, जार में डाल के इसको रख भी सकते हैं? बिल्कुल, मतलब जैसे कि एक वो बना लेते हैं अचार जैसा, आप उसका वो भी बना। उसमें ये कि प्याज उनसे दो तीन दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, वो फिर रेंसिड हो जाता है, स्मेल छोड़ देता है। ठीक है, ठीक है, तो बेहतर है कि ताज़ा डेली का डेली करें। अच्छा, ये जो फ्रूट्स हैं जी, इसका मुझे बताइए, आपने एक तो हमारे पास खुबानी है, यहाँ पे सेब है, खुबानी है, सेब है, इसमें आलू बुखारा है यानी प्लम, और इसमें नाशपाती। तुम्हें क्या हो रहा है? तो वली की जो बीच में होती है ना आवाज आ जाती है। मैं आपके लिए अभी स्मूदी बनाने लगी हूँ, ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुझे गाइड किया था कि इसकी हमने स्मूदी बनानी है। जी हाँ, इसकी स्मूदी बनानी है। ठीक है, तो हमने अपनी जो है जग के अंदर सारे ये फ्रूट्स डाल दूँ? सारे डाल दीजिए। इसमें आलू बुखारा हो गया, खुबानी हो गई, नाशपाती, सेब, केला, ये सारी चीजें जब डालेंगे तो मतलब आपकी उस दिन की तो फल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आपका ये मील रिप्लेसमेंट हो जाती है सच। अच्छा, तो अगर ये हमने यूज किया तो हमें फिर इसके साथ और कुछ डालने की जरूरत नहीं? बिल्कुल है। और इसमें हमने ये कोकोनट वाटर डालना है, खोपरे का पानी, खोपरे का पानी। अच्छा, अगर फ्रेश मिल जाए ना व्यूअर्स, तो उससे बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं है। और अब मिल जाता है फ्रेश लाहौर में भी, मैं खैर हर जगह मिल जाता है, कराची में तो खैर काफी रेगुलरली आप पीस पी भी सकते हैं। और अच्छा जी बताइए, अच्छा ये जो ड्रिंक बन रहा है ना, ये एज सच आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी से उसको रिमूव करता है। तो ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है। डिटॉक्स ड्रिंक, बिल्कुल सही। तो बेसिकली हमने ये ब्लेंड करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम करते रहेंगे ब्लेंड, इसको हम शेक भी करेंगे, एंड वही वाली चीज़ है कि एक बहुत ही अच्छी मील रिप्लेसमेंट भी है, इसका आप इस्तेमाल करें। इस तरह आपने ब्लेंडर में डालना है, ब्लेंडेड आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लेंड होने में, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त होता है, तो इस वजह से लेट्स जस्ट मूव ऑन। लेकिन बेसिकली आपने वेजिटेबल फ्रूट्स को डाला, उसको ब्लेंड किया और उसको आपने पी लिया। मील रिप्लेसमेंट से मुराद ये कि आप नाश्ते के तौर पे इसको ले सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ खाने की जरूरत। बिल्कुल, आप ब्रंच टाइम पे इसको ले लें और उसके बाद अपना आप लंच स्किप कर दें, तो आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा और आपके जो बरसात का डिटॉक्स है बॉडी, वो भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें आम डाल सकते हैं? आम डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, फ्लेवर ऐड करने के लिए डाल सकते हैं। असल में जो तीन फ्रूट्स हैं इसमें, खुबानी, आलू बुखारा और नाशपाती, ये तीन मेन फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिनको आपने हर हालत में इस्तेमाल करना है। बाकी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अच्छा, वली से मेरी बात हो रही थी और वली कह रहे थे, वली व्हाट वर यू सेइंग कि तुम्हें क्या इशू आता है बरसात में सबसे ज़्यादा? डॉक्टर साहब, जब मैं कॉन्सर्ट में पसीना आता है, बाल मेरे सारे वेट हुए होते हैं और बहुत बरसात में तो वैसे ही बाल खराब होने शुरू हो जाते हैं। मतलब बाल खराब, ऊपर से फ्रीजी भी हो जाते हैं, मतलब जब और जब सूख जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बम फटा हुआ था। बिल्कुल, आपने जब भी जाना हो बाहर तो आप उसका शैम्पू मत कीजिए, ठीक है, ड्राई शैम्पू कीजिए, बजाय वेट शैम्पू के। ड्राई शैम्पू, पाउडर शैम्पू जो होता है वो कीजिए, एक तो उससे आपका जितना भी स्कैल्प के ऊपर चिकनाई आई हुई है, नमी आई हुई है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपके बाल फ्रेश रहेंगे। दूसरा ये कि अगर आपके पास ड्राई शैम्पू नहीं है तो चाय का पानी बनाइए, कहवा बनाइए और फाइनल रिंस बालों का वो करके जाइए, तो आपके बाल फ्लफी भी रहेंगे, फ्रिज फ्री रहेंगे और बिल्कुल मैनेजेबल रहेंगे। ठीक है डॉक्टर, ड्राई शैम्पू है मगर इसका ये मतलब नहीं है कि नहाना नहीं है वली, सिर्फ बाल नहीं धोने। मैं जुगन काजम हूँ, मैं तुम्हारी तरह मैं महीने के दिन ही नहाती है। अच्छा, जुम्मे के जुम्मे ईद के ही नहाती है, बिल्कुल ईद के ही नहाती है। तुम तो कुछ बोलो ना, वो मेरे साथ बदतमीजियां करी जा रहे, तुम आगे से गोरे रंग का फायदा, बस मैं देख रहा हूं, मैंने तो ना सुलेई करवा का फायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नहीं खाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बता दूं या बोर्ड पे लिख दें? आप बोर्ड पे लिख दीजिएगा कि हमें क्या नहीं खाना और हम इसकी तरफ वापस आएंगे। अच्छा, ब्रेक के फौरन बाद हमें ज्वाइन करेंगी बहुत ही टैलेंटेड
लवली पर्सनैलिटी, बहुत ही हसीन आवाज की मालिक है। मेरा उनसे बड़ा खास लाड है और उन्होंने आज वैसे भी मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। एनी जैदी हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद कुछ गुनगुनाते हुए। वो काम भी करा दिया जिसे मैं अवॉइड करती हूँ, लेडी डांस कराते नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, ये था मैं यहाँ पे बैठती हूँ उधर बैठ जाओ, ये भी हुनर था आपके पास, मैंने ऐसे बैठने बट मैंने एक देखी थी मूवी में, बड़ा अच्छा डांस किया था। अल्लाह करे आपकी तबीयत खराब हो जाए इस नोट पे, क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं तुम्हें भी याद करा दूंगी तुम्हारी फिल्म और फिर हम दोनों फिल्म में खेलेंगे। अच्छा डांस याद कराओ मैं तुम्हें, नहीं नहीं मैं फिर मुझे ना याद कराओ, बहुत फिल्में हैं जोड़ दे, बहुत अच्छी फिल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात, तुम खुद एक फिल्म हो सुजात, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती बल्कि मैं यहाँ आके उसको बुला लेती हूँ जिसने किचन के काउंटर के पास खड़े होके एक उधम मचाया हुआ था, उधम बहुत ही हमारा क्यूट, हमने अपना शेक ब्लेंड कर लिया। एक बात जो मुझे डॉक्टर साहब ने गाइड किया था, उन्होंने कहा था कि बिकॉज प्योर फ्रूट्स हैं और उसके अंदर हम कोई शुगरी चीज़ें और इस तरह की मतलब पानी पूनी ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, हम उसको प्योर फॉर्म में रख रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है उसको ब्लेंड करने में, तो उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दें जी, और कोकोनट वाटर बेशक थोड़ा ज़्यादा डाल लें, हाँ थिन करने के लिए डाल लें, कोई मसला नहीं, और ये देखें ना कि मतलब इट इज़, और ये अब हम निकाल के ट्राई भी करेंगे, सर्व भी करेंगे, बहुत ही मजे की, ये देखें स्मूदी तैयार हो गई है और हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। क्या है, पकौड़ों पे खुश नहीं हो सकती, एक तो पुरानी जो सहेलियां होती है ना उनकी कोई तो बना रही है, सारा काम जुगलने की है, सुबह से हाथ पांव से मैंने ये पैक पकौड़े तैयार किए हैं स्पेशली वली के लिए, पैरों से इन पैरों को जमीन पे ना सारा काम जमीन बंदी हो जाएगी सारा काम करने के बाद जुगना के निकालती है, फिर कहती है ये मेरा बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए अभी एक सरप्राइज लेके आ रही हूँ, पकौड़ास लिटिल पर्सन, अच्छा पकौड़ास निमरा मेरा जिनका नया नाम अब से मेहता है सॉरी आप एक महजब खातून है, आपका सेगमेंट हमने ले लिया, हमारे जो डायरेक्टर साहब है ना जुगन और हमें मुझे इकट्ठा कर देंगे ना उस शो में, आई एम टीम हाशमी, यू आर टीम नईम, ओके अहमद हाशमी की टीम मैं हूँ और अनम की, आप अनम 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 नईम की टीम, जुगन आलू वाले पकौड़े भी रेडी हैं, प्याज वाले पकौड़े भी रेडी हैं, उसके अलावा जलेबी भी रेडी है, अच्छा मैं पकौड़े जरा सर्व करती हूँ हमारे जो गेस्ट हैं उनको, हाँ हाँ आ जा रहे, निमरा मेहता कैसी हो तुम, मुझे पहले पकौड़ा देने उसके बाद बहू कुछ तो चखो, चखो आराम ना बहू, बबलू तुम भी कुछ खाओ इसको कुछ अच्छा नाम देना है, ऐसा वैसा नहीं, नहीं नहीं इसको लिखो वाले भाई लिखो वाले भाई, अच्छा उसने भी ना गड़मास वाला, हर चीज इस बंदे को कॉम्प्लिकेटेड चाहिए होती है, पकौड़े भी इसने कॉम्प्लिकेटेड वाले खाए मेरा बेटा अच्छा मेरा बच्चा, चल गाना सुना मन लगे ने, चल ओथे चल, एक तो मैं ना लगा जाओ अम्मा लिखे निकालने के लिए, अब
वैसे तो हमने कुछ सीरियस बातें करनी है, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, लेकिन प्यार की गल्लें भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आज की गुफ्तगू को रैप अप करने से पहले मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, हमारे साथ जो म्यूजिशियंस हैं, कीबोर्ड पे हमारे साथ तौकीर हुसैन हैं, लीड पे साथ में ड्रम भी प्ले कर रहे हैं मोहसिन रज़ा हमारे साथ हैं, गिटार प्लेयर शहरियार हैं और हसनैन जो हैं वो ढोलक पे हैं। अगर हम ट्रिब्यूट अपने सिंगर्स को पेश कर रहे हैं तो सिंगर्स जो हैं वो अपने म्यूजिशियंस के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं, और हमारा प्रोग्राम भी मॉर्निंग विद जुगन अपने म्यूजिशियंस के बगैर इनकम्प्लीट है। इधर इनको भी दिखा दें जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, खुर्रम को, मासूम को, सबसे ज़्यादा मेरी डांट खाने वाले नोनिहाल और सर पे ना जाने क्यों जूड़ा बांधने वाले खुर्रम सल्होत्रा हमारे साथ है खुर्रम के लिए। अच्छा ओके, और वो अभी भी वीडियो बनाने से उसने इज्तनाब नहीं किया लेकिन खैर। अच्छा आज आते हैं सर, हमारी इस गुफ्तगू को आज की क्लोज करते हैं। आपने शेक की रेसिपी बताई, क्या नहीं खाना, क्या नहीं खाना, शुगर कम से कम खानी है, शुगर खानी नहीं, हाँ कम से कम खाएं, चीनी सफ़ेद, रिफाइंड ऑयल्स नहीं खाने, ठीक है, और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी हमने। दिल तो चाहता है कि पकौड़े वगैरह खाए जाएं लेकिन कम से कम खाएं। एक खाया आपने अभी? हाँ एक खाया, एक ही खाया। अच्छा अगर खाने भी हैं तो फिर उसके लिए ऑयल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल। ये बड़ी आपने पते की बात की, बाय द वे सरसों के तेल में पका हुआ खाना बहुत लजीज होता है और उसमें तले हुए पकौड़े भी बहुत मजे के होते हैं, बड़े क्रिस्पी होते हैं और उसमें असल में सल्फर कंटेंट होता है। ये जो हमारा मौसम है ना मानसून का, बरसात का, ये इन्फेक्शंस का मौसम है, ठीक है, उसमें हमने खट्टी चीज़ें नहीं खानी और बहुत मीठी चीज़ें नहीं खानी, इसमें थोड़ी सी कड़वी चीज़ें खानी, और कड़वी चीज़ें खाई, बातें सुनने का कोई फ़ायदा, कड़वी बातें सुनने का फायदा ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो फिर आप उसको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ जाते हैं और अगर आप नेगेटिव हैं तो फिर आप बैठ जाते हैं, हो जाते हैं। अच्छा एंड में क्या हमें गाइड करेंगे? एक आपको टी बताता हूँ, हर्बल टी है, ठीक है, जिन लोगों को फोड़े फुंसियाँ पित्त निकल जाती है इस मौसम में उनके लिए बहुत लाजवाब। भली सुनो, जिन लोगों को फोड़े फिंसियाँ पित्त वगैरह निकलते हैं उनके लिए बता रहे हैं, डेली निकलते हैं इसको। अच्छा आप ऑनलाइन देखना है मेरी स्टोरी को, जुगन को निकलते हैं जो लड़ाई हुई है वो निमरा ने गेज की है, ठीक है, जुगन का इंस्टाग्राम पे जाए, जुगन को भी टैग किया और निमरा ने जो है ना ये आपने देखनी है, तो चलिए हो रही है ना बेस का बोस, वो जो तुम लगाती हो फोड़ों पे लगाती हो अपनी, हाँ अभी ये फोड़ों वाला, ये फोड़ों वाली है, फोड़ों वाला। अच्छा इसमें हम गरम पानी लेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ी सी एक आधी चम्मच हम डालेंगे नीम पाउडर, ठीक है, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गुलाब की पत्तियों का पाउडर, अच्छा वो वेरी आधी चम्मच, आधी चम्मच इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच तुलसी का पाउडर। आपको पता नहीं काम जब मैं करती हूं तो मुझे लगता है जिसमें बड़ी यूजफुल हूं। हाँ और ये है सौंठ, सूखी अदरक का पाउडर, ये चुटकी भर तकरीबन सबसे कम मिकदार में, कम मिकदार में ये हमने इतनी डाल जी। अच्छा। अब इसको अब जो सा गर्म पानी में करके हम इसको दो चार मिनट छोड़ देंगे, ये दम पे आ जाएगी तो फिर ये आपने एक कप सुबह और एक कप शाम पीना। इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे आपका खून साफ रहेगा, आपके इन्फेक्शन नहीं होंगे, आपकी बॉडी जो उनसे वो बिल्कुल क्लींस होती जाएगी, क्योंकि ये वाला मौसम जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं स्किन के भी और स्टमक के भी, तो आपके ये लेकिन ये पिएगा कौन? लग रहे हैं हो तुम्हें जल्दी इसको पिएगा कौन? इसके दो पीने, दो घूंट पीने, पियो पियो थोड़ों के बाद पियो ताकि मैं हैदा हो तुम्हें जल्दी। आप इसको चम्मच से पी लीजिए, चम्मच से पी लूं, लकड़ हजम पत्थर हजम, चलो आगे बंद करके मेरी नाक पकड़ ले डॉक्टर साहब आप। अच्छा ये पियो, इतना कौड़ा डॉक्टर साहब, बड़ा कौड़ा है, इससे आपका सब कुछ साफ हो जाएगा, बिल्कुल आपकी रूह भी साफ हो जाएगी इससे। नहीं बट एक बात बताऊं, इसी किस्म की एक टी थी, ये वाली कॉम्बिनेशन ही थी डॉक्टर साहब, और आप आई थिंक आपने मुझे गाइड किया था जो जब यूटिलाइज उसको किया था तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं वेट कैसे कम किया, और डॉक्टर साहब आपके सोशल मीडिया पे तो आपने वो टी शेयर की हुई है ना, वेट लॉस वाली टी। एक्चुअली ये जो कड़वी चीज़ें होती हैं ना ये आपके सिस्टम को डिटॉक्स करती हैं, मजाक अपनी जगह
ढीक लगा के पी जाए अपने सिस्टम को आप साफ कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, लास्ट टिप जो उनसे एक फेस के ऊपर आपको पता है तह सी आ जाती है, चिपचिप सी आ जाती है ना, उसके लिए हमने लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में हमने डालना है कोई सी भी मुल्तानी मिट्टी डाल लीजिए। अब तो कई तरह के क्ले जो उनसे मार्केट में अवेलेबल है, आप मुल्तानी मिट्टी डाल लें, ठीक है थोड़ी सी। और इसमें हमने डालना है थोड़ा सा एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। हाँ, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर तो बहुत पॉपुलर है और बाय द वे इजीली अवेलेबल है इजीली मार्केट में, ठीक है। बस ये आपकी ये तीन चीज़ों का आपने पैक बना के आपने अपने फेस पे, हाथों पे, बाजुओं पे लगा लीजिए। जो जो सन एक्सपोजर में आता है वहाँ पे लगा लीजिए, आपकी टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी और जो एक ग्रीसी सी लेयर आ जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये तय जो है मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट खुरम के मुंह पे फौरन लगा रही हूँ। और हाथों पे सारा दिन बेचारा धूप में काम करता रहता है, मैं अभी इसको सेट करती हूँ। डॉक्टर साहब, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।